वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग मेरे निशान वीर जी, ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर साहब, जिन्हों का यह बहुत ही शलाघायोग उपराला है कि जो ये बड़ी तरह की मंग सी कि साढ़े इतों दरबार साहब नतमस्तक होने लिए संगत जाने, तो उन्होंने ये बहुत ही लाभदायक जो बस चलाई गई है, उन्होंने वड्डा उपराला आ। ये मेरे भरा समाज सेवी ने, पहला भी समाज सेवा के काम करते रहते हैं, तो इन्हों का बहुत वधिया उपराला है कि जे जो संगत जो बड़े चिर की डिमांड सी भी सानू एक बस का बस मुहैया कराई जाए, हुण सवेरे तो बस जी 6 बजे तो शुरू होएगी तो शामां वापस आया करेगी। जो भी संगत दर्शन वेले करने जा सकनगियां तो सवेरे 6 बजे इतों पहुँच के जाके तो शामी वापस आ सकते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है धन धन गुरु रामदास जी का, धन धन बाबा श्री चंद गुरद्वारा टहली साहब, तो बहुत धन्यवाद कैबिनेट मिनिस्टर लालजीत भुल्लर साहब जी, तो सैरी कलसी MLA दीनानगर उन्हों का धन्यवाद, GM बटाला परमजीत सिंह जी बहुत ही सत्कारयोग निघे सभा के मालक, SC विंग के प्रधान जसवंत सिंह जी फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जिहड़ी उपराला बस पंजाब रोडवेज जी की लाई है, ये सारे असी उन्हों का पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने साड़ी मंग नूं स्वीकार करके ते गुरु के दर्शनों लई जी जो है ये मंग साड़ी स्वीकार की है। ये बस जिहड़ी आ पंजाब रोडवेज की, ये गुरद्वारा टाहली साहब तो चल के चकराजा संघौर तो हुंदी हुई दरंगला, दरंगले तो फिर जिहड़ी आ अगे थम्मण नंगलडाला इदां जांदी हुई बउपर अपने गड्डियां चौड़ा निकलती हुई अगे दोस्तपुर नूं जाएगी, दोस्तपुर तो फिर एक वाया कलानौर जाएगी, कलानौर च इंटर होके इस तों बाद फिर बटाले रोड पर चढ़ेगी, तो बटाले तो फिर जी बस जी है उतों फिर अमृतसर लई रवाना होएगी। इहदा तकरीबन टाइम जिहड़ा 6 बजे स्टार्ट होकर 2 घंटे का टाइम होगा, इहदा 2 घंटे च वापस उत्थे पहुँचेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। वीर जी होना का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि सवेरे श्री दरबार साहब न बस जान जी तैयार हुई है जी, सानू बहुत मुश्किल आदि सी इधर, तो हुण ये है भी गुरु साहब के दर्शन ही कर सकते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।